Hey guys, this is Ashwani and welcome back. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ NIIT टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि मैंने अप्लाई कैसे किया या मेरे पास कॉल कैसे आई और इंटरव्यू के दौरान जितने भी राउंड्स थे उनमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वेश्चन किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे या किस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे और जो ये इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं लगभग सारी कंपनियों में सेम ही होते हैं और कुछ कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो माइट बी अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ना हो कि NIIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बट बाकी और कंपनियों के लिए, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्ट एनी टाइम। या तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप वन से, जो कि है कि अगर मैं जॉब लाइक सर्च कर रहा हूँ तो मैं अप्लाई कैसे करूँगा। तो वही फर्स्ट स्टेप, आपने क्या करना है, naukri.com पे जाना है, रिज्यूमे अपलोड करना है और कंपनी को सर्च करना है कंपनी के नाम से। तो इन्होंने नाम चेंज किया है कंपनी का, पहले NIIT था, अब Coforge हो गया। तो जाओ कंपनी के नाम से सर्च करो, उनके पास अब भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि किसी ना किसी को वो डेली फ़ोन करते हैं या फिर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होता है। तो आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो दिस इज़ अ नाइस अपॉर्चुनिटी। अब कंपनी सही है या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कहाँ काम करना चाहते हो। ठीक है, तो वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, पहले हमें जॉब चाहिए। तो जाओ सर्च करो और रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होता है, HR से बात होती है, तो ठीक है हमारा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस हम लाइक सेकंड स्टेप में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बस कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पता naukri.com की बात, अब बात आती है लिंक्डइन की। जाओ कंपनी वाइज लोगों को सर्च करो, उनके HR को अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर सॉरी नॉट अ फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट अगर तुम्हारी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, उन्हें अपना रिज्यूमे शेयर करो, कहो मैं जॉब के लिए देख रहा हूँ, और वहाँ से अगर आपकी बात हो जाती है तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल, ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ हाउ आई कैन अप्लाई इनटू द NIIT और Coforge टेक्नोलॉजी, राइट। अब बात आती है हमारी कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या है हमें प्रिपेयर करना है। अगर आपका पहले से सिलेक्शन हो चुका है या आपका हो जाएगा इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट, तो इंटरव्यू प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा। जनरली ये लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दे विल गिव यू लेस वन सिंगल डे और उसी में सारे राउंड्स हो जाएंगे। मेरे केस में दो राउंड होते बस, ओके, क्योंकि अभी बहुत ईगरली ये कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, आई थिंक ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो पहला राउंड हुआ था ऑनली टू क्वेश्चंस। लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने भी इंटरव्यू में अभी तक अपेयर हुआ हूँ, लाइक सो मेनी इंटरव्यू आई हैव लाइक मैंने अपेयर हुआ हूँ, ठीक है, तो उसमें ये सबसे सिंपलेस्ट इंटरव्यू था। तो आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो लाइक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। अब पहले राउंड में सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन थे, दो कोडिंग क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था लाइक हैश मैप से कि एक एरे दिया रखा है और हैश मैप का यूज़ करके मुझे उसमें से लाइक डुप्लीकेट्स फाउंड करने हैं, ठीक है, तो वो इजीली हो जाता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन था कि लाइक थर्ड हाईएस्ट एरे में से वैल्यू बतानी है मुझे, अगर एरे मेरा नॉन शॉर्टेड है तो, ठीक है, शॉर्टेड नहीं है मेरा एरे, उसमें से मेरे को थर्ड हाईएस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, ये थे दो क्वेश्चंस। अब इसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट प्रोजेक्ट में से, जैसे कि मैंने स्प्रिंग बूट पे काम कर रखा है तो मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में से कुछ कॉमन क्वेश्चन थे। तो अगर आप एज एन एक्सपीरियंस जा रहे हैं तो आपके लास्ट प्रोजेक्ट में से वो पूछेंगे कि आपने आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया, तो स्प्रिंग के वो बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। अब दूसरे राउंड की बारी आती है, अगर ये राउंड फाइनल होता है तो एट इंस्टेंट आपको एक दो घंटे में HR की कॉल आ जाएगी कि ठीक है हम आपका नेक्स्ट राउंड शेड्यूल कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद सिर्फ एक फाइनल सैलरी डिस्कशन राउंड होगा। सो लेट मी टेल यू, वी विल टॉक अबाउट फॉर दिस सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में भी वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, वही सेम स्प्रिंग, अगर आप मेरी तरह हैं तो स्प्रिंग बूट के, जावा के कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ वही कोडिंग क्वेश्चन, इसमें भी वही नॉर्मल जावा के ही क्वेश्चन थे कि रोटेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, वो मुझे प्रॉपरली याद नहीं है कि दूसरे राउंड में क्या क्वेश्चन था, बट मोस्ट प्रॉबली उन्होंने लाइक उन्होंने जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे थे वो लास्ट प्रोजेक्ट से पूछे थे और मेरे टेक स्टैक है मेरा उससे पूछे थे। ठीक है, तो लाइक स्प्रिंग पे आप काम कर रहे हैं तो स्प्रिंग के क्वेश्चन होंगे, अगर आपने स्प्रिंग डेटा JPA पे काम किया है तो उसके भी क्वेश्चन होंगे। तो स्प्रिंग डेटा JPA से दो क्वेश्चन पूछे थे, स्प्रिंग बूट से तीन चार क्वेश्चन पूछे थे, जावा कोर से ऊप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, पांच छः क्वेश्चन पूछे थे। तो ये इंटरव्यू लाइक हाफ एन आवर चला था कि कोर मल्टी थ्रेडिंग नहीं पूछी थी,
सिर्फ स्प्रिंग बूट पूछा था, जेपीए पूछा था, कुछ क्वेरीज पूछी थी जॉइंस का बस, इसके अलावा इंटरव्यू हो गया था, सिंपल था, कुछ था नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इसके बाद ये लोग, एक मेल आता है और उस मेल में इनका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि उस मेल में ये बोलते हैं कि हम एचआर, मतलब सैलरी डिस्कशन तब होगा, एचआर राउंड तब होगा आपका, जब आप कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे इनके पोर्टल्स पे। अब वो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आपकी लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप, आपकी लास्ट मंथ की सैलरी नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा, आपकी लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप, और अगर आपने छोड़ दिए कंपनी, मतलब आप पहले रिज़ाइन कर चुके हैं, तो आपका रिवीलिंग लेटर, ऐसा कुछ, और एक दो डॉक्यूमेंट और थे, 10th 12th की मार्कशीट और आपकी डिग्री, यही सब अपलोड करना था, उसके बाद आपका एचआर राउंड होगा। ये सब था, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एचआर राउंड होता है। मैंने पूछा भी कि ऐसा राउंड ऐसा क्यों है, लाइक पहले ऑफर लेटर क्यों नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है, हर कंपनी का अलग होता है, ठीक है। तो अगर वो मुझे मेल अगर मिल जाता है, तो मैं यहाँ कहीं साइड में इधर या इधर अटैच कर दूंगा, ऐसा कुछ होता है वो अपलोड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने दिया नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट अ ऑफर, ठीक है, मुझे ऑफर नहीं चाहिए था अभी, तो इस वजह से लाइक आई हैव नॉट गो फॉर दैट, ओके। सो ये था पूरा इंटरव्यू प्रोसेस मेरा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट, लाइक लास्ट स्टेप। तो इसमें एक अच्छी बात ये थी कि अगर अभी कोई जॉब सर्च कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा कोई इंटरव्यू नहीं होते हैं, और एक दिन का होता है, कि पहले राउंड से वो बता देंगे तुम्हें कि हाँ पहले दिन ही, कि ये तुम्हारा पहला राउंड है, L1 और L2 करके राउंड होते हैं, कुछ ऐसे नाम दिए थे HR ने मुझे फ़ोन पे, कि पहला आपका L1 होगा, फिर L2 होगा, फिर डायरेक्ट HR राउंड होगा, तो ऐसे कुछ था। हाँ, बहुत सिंपल होते हैं और दो राउंड होते हैं, ये बहुत ही ईजी है, वरना तो चार चार पाँच पाँच राउंड होते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि होगा या नहीं होगा। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं जॉब, तो देख सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाओ और बात करो। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है कि कहाँ से कॉन्टैक्ट करें, कौन एचआर है, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू, आई विल शेयर द आईडी और समथिंग विच माइट बी हेल्प यू, ओके, टू कनेक्ट विद देम, आई विल गाइड यू। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट इट डाउन, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ओके, या टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।